हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है दोबारा से आपके अपने चैनल गोल अचीवर्स में। और अब जब हमने एक गोल सेट कर ही लिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्रैक करना है, तो अब इस एग्ज़ाम को हर हालत में क्रैक करना है। तो इस चैनल पे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को गाइड करूँगी और प्रिपेयर करवाऊँगी, और जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं या जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं एग्ज़ाम में आने हैं, वो सब मैं आपको इस चैनल पे करवाऊँगी। मैं इस चैनल पे आपको प्रिपेयर करवाऊंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC और एयरपोर्ट ऑपरेशंस, इन दोनों के लिए। तो कोई भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है उसका सिलेबस देखना। तो ये जो सिलेबस है, ये अभी 2020 का तो अभी रिलीज़ किया नहीं है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, क्योंकि आज ही हमारा, कल ही नोटिफिकेशन आया है और 15 दिसंबर से एग्ज़ाम फिल किए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सिलेबस जो होगा रिलीज़ होगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने 2018 का जो है उसके हिसाब से 2018 वाले में से सिलेबस निकाला है आपका। और सिलेबस जो है वो यही रहता है, 2016 के एग्ज़ाम में भी यही सिलेबस था, 18 में भी यही सिलेबस था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी यही सिलेबस होगा। तो उसके अकॉर्डिंग पहले जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आते ही आते हैं, उनकी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले मैनेजर फाइनेंस का सिलेबस दे रखा है, लेकिन हमारा जो है एयरपोर्ट ऑपरेशन और एयरपोर्ट ATC वाला, तो हम वहाँ पे चलते हैं सीधा। तो ये आ गया एयरपोर्ट ऑपरेशन। तो इसके जो सिलेबस था, इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट था, वो दो फॉर्म में था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो था उसमें आपकी जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपका बेसिक मैथ्स होता है वो, एंड रीजनिंग, ये दोनों चीज़ें आई थी। और ये चारों चीज़ें आई थी और इसका जो वेटेज था वो था कितना, 50%। पार्ट बी में जो आए थे वो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए थे, वो भी आपका वेटेज 50% का ही था। तो अब इसका जो पार्ट ए था उसको हम थोड़ा तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं कि क्या क्या आया था। जैसे पार्ट ए में सबसे पहले हम बात करें, इसने जो टॉपिक्स कवर किए थे, आपका ये जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है, इसमें एक तो सारे एविएशन से रिलेटेड जो एब्रीविएशन यूज़ होते हैं, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होते हैं, एविएशन सेक्टर, एविएशन सेक्टर मतलब आपका जो प्लेन वाला सेक्टर होता है इसमें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ICAO, DGCA, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये किसके लिए यूज़ होती है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे सिलेबस में जो आपका ये गिवन था। और नॉलेज आपकी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरलाइंस का ऑपरेशन कैसे करते हैं, बाकी का जो भी और बेसिक नॉलेज चाहिए होता है वो सब आपका इस जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में पूछा गया था। और इसके अलावा आपका मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग आया था। अब इसका जो पार्ट बी था, पार्ट बी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी है उससे रिलेटेड था। तो हमारे क्वालिफिकेशन में मांगा गया है हमसे क्या, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, या फिर आपको बीटेक होना चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके पास मैथ्स और फिज़िक्स रहा हो। तो इसीलिए आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे फिज़िक्स से 40% तक के, मैथ्स में से आएंगे 40% क्वेश्चंस, क्लास 12th लेवल तक का मैथ्स होगा। और इसमें जो था एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, सिर्फ BSc है, तो उसके साथ आपका MBA भी मांगा था, तो इसीलिए MBA के भी 20% क्वेश्चंस रखे हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया एयरपोर्ट ऑपरेशंस का। इसमें मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगी, स्टार्ट हम सेक्शन ए से ही करेंगे, तो वन बाय वन हम इसमें सब कवर करते हुए चलेंगे। दूसरा जो हमारा एक फॉर्म जिसकी हम तैयारी करने वाले हैं एक और के, वो है हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसका भी एग्ज़ाम आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एग्ज़ाम एक ही साथ कंडक्ट होता है पूरा, अलग अलग शिफ्ट्स में नहीं होता है, एग्ज़ाम एक साथ होता है, बस दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसमें क्या होता है, आपके 60 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपके 60 क्वेश्चंस तो होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस टाइप के, वो अभी मैं आपको उसमें डिवाइड करवा दूंगी कैसे होता है। इसमें आपका टोटल होते हैं 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट के लिए होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, और 120 नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही 50-50% का वेटेज रखते हैं, मतलब 60 क्वेश्चन पार्ट ए में, 60 क्वेश्चन पार्ट बी में। अब पार्ट ए के जो 60 क्वेश्चंस हैं वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं आपके।
जिसमें से आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके होगी जब आप ATC की जॉब में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पायलट से बात करनी होती है इंग्लिश में ही, और कई बार पायलट इंडियन होते हैं, कई बार इंडियन नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है, 20 मार्क्स की। उसके बाद आपके पास है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये आपके 15 मार्क्स के आते हैं। फिर जनरल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका बेसिक मैथ्स होता है 10th लेवल तक का, ये भी 15 मार्क्स का ही आता है। और आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, मतलब जो भी आपका करंट में जो भी जनरल नॉलेज में चल रहा है, एंड जो आपका कुछ स्टैटिक पार्ट होता है नॉलेज का, हिस्ट्री ज्योग्राफी का, वो सब मिला के आता है 10 मार्क्स का। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश वीक है या आपको मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में, या करंट अफेयर्स से आप अवेयर नहीं है, अप टू डेट नहीं है, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपके सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह कवर करवाऊंगी। अब उसके बाद आपके जो 50% जो आपका बचा जो पार्ट बी है, उसमें आपके 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फिजिक्स और मैथ से आते हैं। फिजिक्स और मैथ इसमें 12th लेवल लिख कर देते हैं, लेकिन वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही फिजिक्स और मैथ्स होता है, BSc लेवल तक का। तो 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स के हैं। इसमें ऐसा कुछ डिवीज़न नहीं है कि 30 फिजिक्स से आएंगे और 30 मैथ्स से, ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन होंगे वो 60 ही। तो अब ये तो आपको ओवरव्यू पता चल गया इसका कि आपके टॉपिक क्या क्या हो गए। जैसे आपने एयरपोर्ट ऑपरेशन में देखा था, तो इसके पार्ट ए के जो था वो सब डिवाइडेड हो गया था, टॉपिक्स आपको बता दिए थे कि क्या क्या आने चाहिए। लेकिन आपका ATC वाला जो है, ये जो ATC वाला है, इसको आपको सब डिवाइड नहीं किया, आगे इसके अंदर और क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ अभी इसके अंदर और क्या क्या टॉपिक्स होंगे, ये सब डिवाइड कैसे होगा। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये है, और ज़रूरी मैं क्या बता आपको ये कहना चाहूँगी, ये आपके लिए एक लक्की चीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए, कि इस एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ जी, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, सब अटैम्प्ट करके आना है, बिल्कुल अटैम्प्ट करके आना है। ओके, तो अभी मैं अब आपको इसका फर्दर डिवीज़न बता देती हूँ। फर्दर डिवीज़न में अगर आप जाएंगे तो जी, ये आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट बताया था मैंने, फिज़िक्स, फिज़िक्स के अंदर आपके ये सारे टॉपिक हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिज़िक्स, थर्मोडाइनमिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेव ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, SHM, गैसियस स्टेट ऑफ फिज़िक्स ऑफ गैसियस स्टेट एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये आपके फिज़िक्स के टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वेव ऑप्टिक्स, ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगी। सिमिलरली आपके कुछ मैथ्स के टॉपिक हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, चाहे तो इनको नोट डाउन करके सिलेबस को अपना जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके ऊपर चिपका दीजिए, और जैसे जैसे आप टॉपिक कवर करते जाएँ उसको एलिमिनेट करते जाइएगा। फिर इसी तरह से ये इंग्लिश का है, एंड देन ये जनरल एप्टीट्यूड का है, फिर जनरल रीजनिंग का सिलेबस, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का सिलेबस, और ये लास्ट में आपका करंट अफेयर का सिलेबस है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, एंड ये सब देखिए, ये आपका ATC का जो है ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने वो पेज की जो कटिंग है वो यहाँ लगा भी दी थी लेके, और ये आपका हो गया है पूरा सिलेबस, मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या आना है। अब इस सिलेबस के बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बाद प्रिपरेशन, आप सबसे पहले क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट नहीं करना है, क्या हमें बाद के लिए रखना है। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करवाऊंगी आप लोगों को, वो मैं ये इधर से स्टार्ट करवाऊंगी, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड, जो बेसिक मैथ्स हैं एंड रीजनिंग है। इससे क्या होगा कि आप इसको एक तो बहुत जल्दी सीख लेंगे, और इससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तब हम थोड़ा टफ चीज़ पे, फिजिक्स एंड मैथ्स का जो ग्रेजुएशन लेवल तक का है, हम उस पर जाएंगे, ताकि फिर आप इजीली ग्रैप कर पाएँ। प्लस साथ में एक फ़ायदा और भी है, जब हम ये जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो इसके साथ साथ आपका जो है प्रिपरेशन होता है, और साथ में जनरल इसका ऑपरेशन वाले एग्ज़ाम्स का भी, एंड बहुत सारे एग्ज़ाम्स, आप ये देखिए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबका पार्ट ए में यही चीज़ आई है। ये फायर सर्विसेज वाला देख लीजिए आप,
चाहे आप कोई भी और एग्ज़ाम देखिए, सबका जो पार्ट ए है उसमें ये चीज़ कॉमन है। तो ये आपको सिर्फ एक चीज़ एक बार पढ़ना है, फिर आप जितने भी मर्जी फॉर्म में अटैम्प्ट कीजिए, जितने मर्जी फॉर्म फिल कीजिए, ये चीज़ तो सब में ही आनी है। तो सबसे पहले हम इसे ही कवर करेंगे। ओके, तो बस आज के लिए यही। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि चैनल का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं इस पे आगे वीडियोस बना पाऊँगी या आगे पढ़ा पाऊँगी, वरना तो फिर ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चैनल को कंटिन्यू रख पाना। एंड फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मेरे पास पहले के सिलेबस की जो चीज़ें, पहले का ये पुराना सिलेबस वगैरह पड़ा हुआ था और ऐसी बहुत से प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सब कुछ है, वो सब पब्लिश कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस, प्लीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।